हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद मैं आपको, पहले तो हिंदी पे बहुत ज़्यादा ब्लॉग बनाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत दिन हो गया आसामीस पे बना रहा हूँ। अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी पे बनाने के लिए। बहुत दोस्त लोग बाहर का है तो वो लोग डेली बेसिस ऐसे बोलते रहता है, तो आसामीस में बोलते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ तो बोलते रहता है। तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जितना भी ब्लॉग है ना हिंदी पे बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को आज एक अच्छा वाला जगह और बोले तो दूसरा कंट्री पे लेने लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसा कंट्री है, वो जगह भी इतना स्पेशल है, मैं आप लोगों को पूरा एक दिखाने वाला हूँ। और मैं, वो जगह का नाम है नेपाल, नेपाल का काठमांडू, जो इतना अच्छा है। एक तो आज मैं जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो होटल है, होटल का भी नज़ारा कितना, हिमालय कितना दूर से कितना अच्छा दिखता है, उसका बर्फ़ का क्या क्या, ये सब सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। और आप लोग भी वीडियो पे बने रहिए और अच्छा अच्छा मोमेंट देखने के लिए। और हो सके तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। और बाकी क्या बोलो, चलो तब तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिए, ये होटल का बाहर साइड, और सब जितना आदमी है सब लोग ऐसे ही इन्जॉयमेंट टाइम पास कर रहे हैं। और बाकी चलो तब तो अभी फ़िलहाल ऊपर का मन, ये नज़ारा कैसा है, बाहर का तो बहुत ही खूबसूरत है। और ऊपर जाके आप लोगों को ए टू जेड दिखाता हूँ, वहाँ से जो हिमालय है ना, तो हिमालय किस कितना दूर है, डिस्टेंस क्या है, सब कुछ दिखा लेता हूँ। यहाँ से देखिए, वो आगे सामने हिमालय दिखाई दे रहा है, पूरा पहाड़ पर बर्फ़ भरा हुआ है। और थोड़ा सा जूम करके दिखाने के लिए कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। ये देखिए कितना सुंदर है सारो राउंड, पूरा होटल है ये सब। और अभी यहाँ से हिमालय तो थोड़ा दूर होगा, लेकिन मोबाइल पे एक बार ट्राई करके देखता हूँ जूम कितना हो सकते है कितना नहीं है। ये देखिए, यहाँ जूम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ये देखिए पूरा बर्फ़ भरा हुआ है, लेकिन यहाँ से तो बहुत ज़्यादा दूर होगा, लेकिन जितना हो सके आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। और आप लोग भी वीडियो पर बनी रहिए और आगे जितना हो सके आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तब तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। अभी तो फिलहाल हम लोग होटल से निकल गया, और होटल से निकलने के बाद आपको थोड़ा एक थो दूर पे एक थो शॉर्टकट है, वहाँ से एक थो शिव मंदिर है, तो अभी वहाँ जाने के लिए ट्राई करेंगे। और ये है लेक, पूरा पहाड़ों के बीच में पूरा पानी भरा हुआ है। ये देखिए नज़ारा भी कितना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है नेपाल। और बाकी तो क्या बोलूँ, ये सब लोग पूरा सेल्फी लेने का बिजी, ये कुछ सब तो बिजी रहता है। और तब तो चलो अभी फ़िलहाल यही सीढ़ी है, यहाँ से चलना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास और रेस्ट भी हो गया, अभी फ़िलहाल आगे बढ़ने का टाइम आ गया। और चलो तब तो आगे बढ़ते हैं, सब लोग जितना हो सके आप लोग दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। और यहाँ से शॉर्टकट है, तो लंबा एक थो रास्ता है, वहाँ से घूमने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो सब लोग तो यहीं शॉर्टकट से पैदल चलता है, लेकिन बहुत ही दूर है। जो भी हो, आ गया तो अभी देखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, सब लोग जा रहे हैं और साथ में मैं भी जा रहा हूँ। चलो तब तो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो अभी स्टेप चढ़ने का टाइम आ गया, अभी आगे चलते हैं। ये पूरा थका हुआ है सब लोग, चलो ऐसे ही चलते रहो और जाके तो पहुंच जाएगा। हाय हाय, हेलो, शर्म कर रहा है।
ये बाहर का है, शायद अमेरिका या न्यूजीलैंड कहीं का होगा। और ये देखिए पीछे, ये देखिए पीछे बच्चा पूरा अपेल करके जा रहा है। ये लोग शायद वो टेम्पल देख के आ गया होगा वापस, तो अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचा नहीं, बहुत ही दूर है और थोड़ा ट्रेवल करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, तो उसके बाद सीधा मिलते हैं वहाँ पे। चलिए वो देखिए थोड़ा सा आगे धीरे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है और पहुँचने वाला है, तो अभी दिखाएंगे आपका अंदर। चलो तब तो फाइनली आके पहुंच गया। और आप लोगों को इतना अच्छा जगह भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है और कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है, और आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे जितना हो सके, और मंदिर का चारों तरफ और जितना खूबसूरत हो सके उतना दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। चलो तब तो आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल आप लोग भी वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो को एक बार अच्छा लगे तो एक बार लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए पूरा। चलो तब तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और आप लोग भी देखते रहिए। चलो तब तो अभी क्या बोले, और ये बाकी देखिए दूर से दिखाई दे रहा है, ओम नमः शिवाय बोल के अंदर चलने के लिए कोशिश करते हैं। और चलो तब तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उसका नज़ारा चारों राउंड पे पूरा बहुत बड़ा, और उसका भी मेंटेन इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, और आप लोगों को चारों राउंड जितना हो सके उतना दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। और ये नंदी, और आगे बढ़ते हुए हम लोग, चलो तब तो आप लोगों को पूरा चारों राउंड एक बार दिखा देते हैं अभी। चलो, और एक अच्छा वाला चीज़ दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा जो शिवलिंग है ना वो चारों राउंड पर लगा के रखा हुआ है। ये तो शिवलिंग टू शिवलिंग ही है, और ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, ए टू जेड पूरा फोटो का जैसा दिखाई दे रहा है। और पास तो वीडियो पे तो अलग ही दिखता है, लेकिन सामने तो और ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। और अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ पूरा स्क्वायर, और ये देखिए सामने पूरा शिवलिंग, छोटा छोटा शिवलिंग पूरा राउंड करके ऊपर नीचे दोनों तरफ पे लगाया हुआ है पूरा खूबसूरत से। और बाकी क्या बोलो, मेरे ख्याल से तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को भी हो सकते हो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को वही क्या बोलो, ओम नमः शिवाय बोल के सारे राउंड दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। चलो तब तो आगे बढ़ते हैं अभी। Thank you.
अभी तो फिलहाल और ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे, अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाला है और जितना हो सके आप लोगों को तो जितना हो सके हम लोग को तो दिखा दिया। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वही पहले तो बोला था वही कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को मिलेंगे कोई दूसरा प्लेस पे। अभी मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।